नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय हीरामन कोकने, निर्देशक जन शिक्षण संस्थान रायगढ़ महाराष्ट्र। आज हम पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पे पैच क्रिएशन की प्रक्रिया कैसी करनी है वो हम लोग देखेंगे। हम लोग ये जो दिया गया लिंक है portals.pmvishwakarma.gov.in, ये जो हमारा साइट है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इस पे हम लोग हमारा लॉगिंग TCID और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिंग करेंगे। हमें जो OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो OTP हम लोग डालेंगे और वेरीफाई करके वेरिफिकेशन सक्सेसफुली दिखाएगा। डैशबोर्ड पे हम लोग माई स्कीम में जाके व्यू स्कीम करेंगे। अभी हम लोग जीरो डे असेसमेंट के लिए हमारी बैच क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए पीएम विश्वकर्मा स्किल असेसमेंट में हम लोग जाएंगे, एक्शन बटन पे क्लिक करके व्यू डिटेल्स करेंगे। हमारा जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है ये हमें इधर दिख रहा है, एक्शन बटन पे जाके व्यू डिटेल्स हम लोग करेंगे। और नीचे व्यू ऑल बैचेस पे हमें क्लिक करना है और हमने जो बैचेस लिए है ये बैचेस इधर दिखेंगी, लेकिन नई अभी जीरो डे असेसमेंट के लिए हम लोग बैच क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए क्रिएट बैचेस पे हमें क्लिक करना है। बैच डिटेल्स में स्कीम दिखेगी हमें, बैच टाइप रेगुलर ही रहेगा। हमें ट्रेड डिटेल्स में जाके हमारा जो ट्रेड है वो सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली हमारा सेक्टर्स, NSQF लेवल, ये सब डिटेल हमें दिखने लगेंगे। ट्रेनिंग आवर्स पर डे जो हमें है, असेसमेंट है जीरो डे इसलिए हम लोग वन इधर डालेंगे। वन डालने के बाद बैच का टाइमिंग हमें डालना है। टाइमिंग सेट करेंगे, ऑटोमेटिकली बैच आउट टाइम इधर दिखेगा। हमें ऐड करना है, ऐड करने के बाद बैच स्टार्ट डेट और बैच एंड डेट। बैच स्टार्ट डेट वही हमारा एंड डेट रहेगा। उसी के साथ ट्रेनर डिटेल्स में हमें इस जगह कुछ इंफॉर्मेशन नहीं भरनी है। प्रीफर्ड असेसमेंट लैंग्वेज जो है, हम लोग जो हमारी लोकल लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करेंगे। एनरोलमेंट डेट जो है वो दिखेगी हमें, ये डिक्लेरेशन को हमें क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट बटन पे हमें क्लिक करके सबमिट करना है। ओके बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैच क्रिएट की गई है वो ये है, 10 अक्टूबर को ये बैच क्रिएटेड इधर दिख रही है। एक्शन बटन पे जाके हम लोग व्यू डिटेल्स में जाएंगे और अभी कैंडिडेट हमें ऐड करना है, तो ऑल कैंडिडेट स्टेट में हमारा जो स्टेट है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद हमें अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। तो अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो बेनिफिशरीज की लिस्ट है, ये लिस्ट हमें अभी दिख रही है। अलग अलग ट्रेड में ये जो लिस्ट है, हमें बार्बर में जो बेनिफिशरीज है उनके हम लोग मोबाइल नंबर डाल के भी इस बेनिफिशरीज को सर्च कर सकते हैं, या कैंडिडेट आईडी डाल के भी हम लोग कैंडिडेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें जो कैंडिडेट अप्रोच हुआ है उसे हमें सिलेक्ट करते जाना है। कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट नेम और कैंडिडेट मोबाइल नंबर के आधार पे अभी हमने इंटरेस्टेड 26 कैंडिडेट के नाम सिलेक्ट किए हैं, ये दिख रहे हैं हमें दिख रहे हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद हमें सबमिट टू एनरोल कैंडिडेट पे क्लिक करना है। यस आई एम श्योर पे हमें क्लिक करना है। ओके हम लोग करेंगे, फिर से हम लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे। हमारे 26 कैंडिडेट इस जगह दिख रहे हैं। ये सब 26 कैंडिडेट जो है हम लोग अभी सबमिट टू SSC AB करेंगे।
बैच इज सबमिटेड टू एसएससी सक्सेसफुली दिखा रहा है। इस जगह हम लोग देख सकते हैं सबमिट टू एसएससी एपी, मतलब हमारी जो बैच है जिसमें 26 कैंडिडेट है वो बैच जीरो डे असेसमेंट के लिए अभी सबमिट हो चुकी है।